हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरी फैशन डिजाइनर। तो आज के वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल प्लाजो बॉटम डिजाइन। आप इस डिजाइन को अपनी सिलीव पे भी बना सकते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये मेरा ट्राउजर है यानी कि प्लाजो है, इसको एक साइड में रख देंगे। और ये मैंने डिजाइन बनाने के लिए स्क्वायर में कुछ पीस लिए हैं फैब्रिक के। तो इनकी जो लंबाई और चौड़ाई है मैंने 2.5 बाई 2.5 इंच रखी है और ये मैंने दो कलर में लिए हैं। अब हम देखिए इनके ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन हम ट्रायंगल और पेंटक्स के साथ बना के रेडी करेंगे। तो पहले हम ट्रायंगल बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमको ट्रायंगल बना के तैयार कर लेने हैं। तो लीजिए, सारे ट्रायंगल मैंने बना लिए हैं। अब हम देखिए ट्रायंगल की जो नीचे वाली साइड है, यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम बिल्कुल बराबर ऐसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने सारे ट्रायंगल इस तरीके से कट कर लिए हैं। अब हम बनाएंगे पेंटक्स वाला डिजाइन। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच रखी है और लंबाई मैंने अपनी मोहरी के बराबर रखी है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच कपड़ा मोड़ के और यहाँ पे हम पेंटक्स डालेंगे। तो पेंटक्स आपको जैसे पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पैर के मार्जिन लेते हुए रख रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक वाला पेंटक्स भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमको इतना गैप रखना है जैसे हम प्रेस करेंगे तो एक दूसरे के नीचे नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से लगभग मैंने यहाँ पे 1.25 इंच का गैप लेते हुए ये पेंटक्स इसमें डाले हैं। तो ये लीजिए, इस तरीके से मैंने इसमें यहाँ पे 5 पेंटक्स डाले हैं, आप देख सकते हो, ये देखिए। और नीचे से ये इस टाइप का है। अब हम एक और कपड़ा लेंगे और इसके बराबर हम इसको ऐसे रखेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने इसी फैब्रिक के बराबर रखी है और यहाँ पे हम ऐसे इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद में अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे और इसके किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। और इस डिज़ाइन में हमने कोई भी कैनवास पेपर या बुकरम किसी भी चीज़ का यूज नहीं किया है। ये फैब्रिक के साथ ही बहुत ही खूबसूरत और आसानी से बन जाता है। अब हम अपने प्लाजो की बॉटम लेंगे और इसको ऐसे रखते हुए हम अटैच करेंगे, ये देखिए। तो ये मैंने सिलाई लगा ली। अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे और इस तरीके से पलटते हुए हम इस पर 2 इंच सीधी सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, मैंने 2 इंच सीधी सिलाई लगाई यहाँ पे। और अब हमने जो ट्रायंगल बनाए हैं इनको हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो एक कलर के ट्रायंगल भी अटैच कर सकते हैं। मैंने 2 कलर के लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा बनने के बाद में हमारा ये डिज़ाइन। तो इस तरीके से रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये लीजिए, डिज़ाइन बनके हमारा रेडी हो गया है। अब हम इस पर देखिए इस पेंटक्स के नीचे एक सिलाई और लगा देंगे, ये देखिए ऐसे करके। तो ये डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कितना सुंदर और ब्यूटीफुल लग रहा है ना हमारा ये डिज़ाइन। और बनाने में ये बहुत ही आसान है। अब मैं आपको इस पर फिटिंग वाली सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए, मैंने इस पर फिटिंग वाली सिलाई भी लगा ली है। तो ये हमारा तरीके से बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक मैंने आपको नीचे डाल दिया है। थैंक यू।